हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको ये समझाइए कि रथ यात्रा से पहले जो मंगला आरती होती है, सालों से चली आ रही है, उसका क्या महत्व है? देखिए, मंगला आरती तो इस मंदिर में रोज होती है। देखिए, मंगला आरती जो है ये वैष्णव जो एक तरह से परंपरा है उसका बेसिक जो रिचुअल्स हैं उसका पार्ट है। मंगला आरती वो होती है जब भगवान सुबह नींद से उठते हैं और उनके पहले दर्शन जो होते हैं वो मंगल काल में होते हैं, जो कि सुबह 4 बजे के आसपास का समय होता है। लेकिन आज का दिन, क्योंकि ये आषाढ़ी बीज का दिन है, भगवान खुद जब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं उस दिन इस आरती का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के जो नक्षत्रों की स्थिति है उसके हिसाब से भी बताया जाता है कि इस दिन का महत्व जो है वो लोगों के लिए बहुत बढ़ जाता है। लोग जो भी मंगल कामनाएं करते हैं उसका एक ये कहा जाता है कि वो पूर्ण होती हैं, और क्योंकि भगवान स्वयं उनके वहाँ दर्शन देने पहुँचते हैं, नगर यात्रा पर खुद निकलते हैं, इसलिए इस मंगला आरती का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे जो हमारे रिचुअल्स हैं उस हिसाब से मंगला आरती जो होती है वो दिन की पहली आरती होती है, जब भगवान अपने नींद से उठते हैं और पहले दर्शन देते हैं भगवान को। इसलिए ये कहा जाता है हिंदू परंपरा में भी, जो वैष्णव परंपरा है उसमें भी ये कहा जाता है कि मंगला आरती के दर्शन सबसे उत्तम होते हैं। ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है उसका भी एक निदर्शन हो सकता है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अब देखिए निकल चुके हैं रथ की तरफ जाने के लिए। यहाँ हम तस्वीरें देख सकते हैं ज्योत्सना, मुख्यमंत्री जो मंदिर के ट्रस्टी हैं भगवान जो महेंद्र झा और जो महंत हैं दिलीप दास जी, उनके साथ आप देखिए मुख्यमंत्री अब रथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र पटेल तीसरी बार इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे और देखिए उन्हें एक पहले भगवान के वो दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर सोने के झाड़ू से रथ की सफाई करेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री हैं ऊपर और उनके साथ यहाँ मरून कलर के कुर्ते में जो दिख रहे हैं वो मंदिर के ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी महेंद्र झा, और साथ में अंदर महंत भी हैं दिलीप दास जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और थोड़ी देर में पहिंद विधि जो है वो शुरू होगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री स्वयं रथ खींच कर इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और फिर जो भगवान है वो नगर यात्रा करते हुए पूरे दिन करीब 18 किलोमीटर का ये रूट है जिस पे ये रथ यात्रा गुजरती है, और उसके बाद फिर भगवान पूरे नगर यात्रा करके अपने निज मंदिर में वापस पहुंचेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोने की झाड़ू यहाँ एक थाल में है जो अब मुख्यमंत्री को दी जाएगी और वो फिर इस रथ की सफाई करेंगे। ये एक रिचुअल है जिसको हर जो मुखिया होता है राज्य का उस वक्त वो उसे फॉलो करता है। इस वक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद देखिए वो लेते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे आखिर में भाई बलभद्र का रथ होता है। और यहाँ अब आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री को ये सोने की झाड़ू जो है वो दी जा रही है जिससे वो रथ की सफाई करेंगे। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं इस वक्त इंडिया टीवी पर। ये एक तरह से वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह सुबह मंदिर पहुंचते हैं। इसका एक अपना अलग महत्व है। आप देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त आपको रथ की सफाई करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सोने का झाड़ू है जिससे वो रथ की सफाई कर रहे हैं और इसके बाद फिर वो रथ को खींच करके, ये एक तरह से मैं आपको बता दूँ जो उसमें एक सिम्बॉलिक जेस्चर होता है मुख्यमंत्री का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भक्त भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं उनका हाथ हिला करके उन्होंने अभिवादन भी किया और अब रथ की सफाई करते हुए वो नीचे आए। और अब आप देखेंगे साथ में गृह मंत्री हर्ष संघवी भी हैं जिनका स्वागत करते हुए आपको दिखे मैनेजिंग ट्रस्टी अभी, और अब ये दोनों जो हैं रथ को खींच करके इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। 147वीं रथ यात्रा है, अब तक अविरत चलती आई है।
सिर्फ बीच में एक बार जो 2020 में कोरोना के वक्त ये रथ यात्रा जो है ये भगवान नगर यात्रा में नहीं निकले थे, मंदिर के अंदर ही रथ को जो है घुमाया गया था कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। उस वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे उसको ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा नहीं हो पाई थी, नगर यात्रा नहीं हो पाई थी। रथ यात्रा तो हुई थी लेकिन रथ जो है वो बाहर नहीं गए थे। उसके अलावा आज तक कभी ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ है कि ये यात्रा किसी भी प्रकार से रुकी हो। मैं आपको बता दूं कि अविरत ये यात्रा इतने सालों से चली आ रही है और अब वो क्षण आ गया है जोशना जब रथों को खींचने के लिए आप देखिए उनके रस्से जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इसको खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। पहले भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाएगा और बाद में फिर जो सेवक हैं और जो रथ के चालक हैं वो साथ में बाकी के रथ जो हैं पीछे से वो एक एक करके ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है इसको फॉलो किया जाता है। निर्णय एक लंबी यात्रा होती है, लाखों लोग सड़कों पे होते हैं। यहाँ पर एक नियम को लेकर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे पुरी में जो रथ यात्रा है, पुरी की रथ यात्रा में जो मान्यता के हिसाब से सबसे पहला रथ होता है बलराम जी का, उसके बाद बहन सुभद्रा, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का रथ होता है, क्या वही परंपरा अहमदाबाद में भी है? नहीं, यहाँ पे सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है। ये देखिए ये भगवान जगन्नाथ का रथ अब मुख्यमंत्री ने खींच करके रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है और पीछे आप देख रहे होंगे बहन सुभद्रा का रथ है, बीच में बहन सुभद्रा का रथ है, वो अब जो भक्त हैं वो खींच करके उसे बाहर ले जाएंगे और बाद में सबसे आखिर में भाई बलभद्र का रथ है, जो बड़े भाई हैं वो उनका रथ सबसे आखिर में है, उसे बाद में भक्त जो हैं वो खींच करके बाहर ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ देखिए अगर हम बाहर दिखाना चाहें आपको, अभी रथ जो है वो मंदिर से बाहर आ चुका है। यहाँ हम मंदिर के बाहर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं कि ये रथ जो है उसको खींच करके कैसे अब बाहर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और बाहर देखिए भक्तों की भीड़ कितनी है, जो असली भीड़ अब आपको दिखेगी क्योंकि बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं वो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रथ मंदिर से बाहर आ चुका है और आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शनों के लिए कितना आतुर नजर आ रहा है। हालांकि इस भीड़ के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ तीनों के ही रथ मंदिर से बाहर प्रवेश कर चुके हैं। नगर भ्रमण का कार्यक्रम है 18 किलोमीटर लंबा और पूरा दिन इसमें लग जाएगा क्योंकि ये मौका तब आता है साल में एक बार जब भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं।